सोलिनइड हैविंग टू हंड्रेड टर्न पर सेंटीमीटर एंड कैरियर आई द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सेस इज सिक्स पॉइंट टू एट इंटू टेंस टू पावर माइनस टू वेबर पर मीटर स्क्वायर अनादर सोलिनोड हैविंग हंड्रेड टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड कैरिंग आई बाई थ्री करंट देन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सेस विल भी ठीक तो यहाँ पर पहली सोलिनइड जो है हम यहाँ पर बना लेते हैं कि उसके लिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन वन कितना है टू हंड्रेड ठीक ये पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है लेकिन यहां पर जब हम डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां पर हम टू हंड्रेड ही लिख रहे हैं टू हंड्रेड टर्न्स पर सेंटीमीटर क्लियर करंट दी गई है हमें आई वन इजिकल टू आई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी गई है बी वन इजिकल टू सिक्स पॉइंट टू एट इन टू टेंस टू पावर माइनस टू वेबर पर मीटर स्क्वायर क्लियर चलिए अनादर सॉलिनेट हमें दी गई है यहाँ पर एक दूसरी सॉलिनॉइड है दूसरी सॉलिनॉड के बारे में बात करें नंबर ऑफ टर्न्स एन टू इजिकल टू हंड्रेड टर्न्स पर सेंटीमीटर और करंट आई टू इजिकल टू आई डिवाइडेड बाय थ्री हमें दिया हुआ है क्लियर हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है सेकेंड वाली सिचुएशन में फर्स्ट वाली सिचुएशन में तो हमें दी हुई है तो हम जानते हैं कि बी वन इजिकल टू हो जाएगा म्यू नॉट म्यू नॉट एन वन आई वन क्लियर और यहां हम देखें तो यहां हो जाएगा बी टू इजिकल टू म्यू नॉट एन टू आई टू क्लियर यह है इक्वेशन नंबर वन और यह है इक्वेशन नंबर टू तो हम देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर वन या इक्वेशन नंबर टू डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा पी टू डिवाइडेड बाई बी वन टू म्यू नॉट एन टू I2 divided by mu naught n1 I1 clear respective values यहाँ पर रख देते हैं तो B2 divided by B1 is equal to n2 की value कितनी है n2 की value कितनी है 100 into I2 की value कितनी है I divided by 3 clear divided by n1 की value कितनी है 200 इन टू आई क्लियर यहाँ पर पर सेंटीमीटर जरूर दिया हुआ है लेकिन पर सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है हमें पहले से ही पता था ठीक बी तो टू कितना हो जाएगा बी टू इजिकल टू बी वन डिवाइडेड बाय सिक्स तो रेस्पेक्टिव वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं बी वन की जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है जो कि होगा सिक्स पॉइंट टू एट इन टू टेंस टू पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स तो बी टू कम्स आउट वन पॉइंट जीरो फाइव इंटू टेंस टू पावर माइनस टू ये हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर और यही हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन